आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट लवर्स और जितने भी लोग जो पौधों से जो है वो समझना चाहते हैं और इनसे प्यार करते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द जिम्नोस्पर्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिच जो है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है और डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ यहाँ पर लगाए गए। तो आज जिस ग्रुप का मैं जो है वो जिक्र करने लगा हूँ और स्टूडेंट्स को बताने लगा हूँ, वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स की जिनको हम डिफाइन करते हैं कि नेकेड सीडेड प्लांट्स, वो पौधे जिनके सीड जो हैं वो नेकेड होते हैं, इनमें कॉर्न्स बनते हैं और जब कॉर्न्स ओपन होते हैं तो उनके सीड जो है ओपन होते हैं और बाहर जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो हज़ारा यूनिवर्सिटी में 5-6 स्पीशीज़ जो हैं वो जिम्नोस्पर्म की हैं। तो मैं अक्सर इनको देखता था, तो मेरा प्रोग्राम था कि स्टूडेंट को भी इनसे इंट्रोड्यूस करूं और उनको इनके मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो बता दूं। तो जो पहला प्लांट है, ये मेरे साथ एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ और भी काफ़ी सारे जो है वो इसके और पौधे भी हैं। ये है सिड्रस देवदारा, जिसको दियार भी कहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत जो है इसकी कैनोपी होती है और ये दिस इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये हमारा नेशनल ट्री भी है और जो क्लाइमेट के हिसाब से जो बॉटनी में स्टूडेंट दिलचस्पी रखते हैं, ये जो है एक इंडिकेटर स्पीशी है ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट की। उन इलाकों में ये होता है जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ड्राई टेम्परेट होती है। ये हमारा जो मॉइस्ट टेम्परेट क्लाइमेट है उसकी इंडिकेटर सिपी है। यहाँ पर ये लगाए गए हैं, ये स्नोफॉल तो यहाँ भी होती है लेकिन ये मॉइस्ट टेम्परेट नहीं है। नथिया गली, मरी, कगान, नारान, उस साइड पे ये आपको कॉमन मिलता है। ये मॉइस्ट टेम्परेट क्लाइमेट की इंडिकेटर स्पीशी है। ब्लू पाइन, जिसे पाइनस वेलिचियाना भी कहते हैं, इसकी वुड भी अच्छी क्वालिटी की होती है, फर्नीचर वगैरह और बाकी चीज़ें बनती हैं। जो पाइनस रॉक्सबर्जी आई है, इसकी वुड ज़रा लो क्वालिटी की होती है और सबसे अच्छी वुड जो है ये इसकी होती है, सिड्रस देवदारा की, जो कि खुशबू भी देती है घर में लेकिन रेयर है। ज़ाहिर है ये पौधा ख़त्म हो रहा है तो इस वजह से लकड़ नहीं मिलती, लेकिन है सबसे अच्छी लकड़, पायदार, ड्यूरेबल, खूबसूरत वो इसकी होती है सिड्रस देवदारा। दूसरी जो स्पीशीज यहाँ पे आपको कॉमन नज़र आएगी वो पाइनस रॉक्सबर्जियाई। आपको ये मैं इशारा कर रहा हूँ, ये सारे जो हैं जिसको लोकल ज़बान में जो है चीड़ कहते हैं, सिड्रस देवदारा को लोकल में दियार कहते हैं। और जो ये आपको नज़र आ रही है पाइनस रॉक्सबर्जियाई, ये जो है वो सब ट्रॉपिकल जो है वो क्लाइमेट जो है वो उसका पौधा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, और इसको लोकल में जो है वो चीड़ कहते हैं। यहाँ पे पाइनस की दो स्पीशी जो है वो लगी हुई है, एक पाइनस वेलिचियाना जिसको ब्लू पाइन कहते हैं और एक पाइनस रॉक्सबर्जियाई जिसको चीड़ कहते हैं। इनमें मेजर जो डिफरेंस ये है कि जो ब्लू पाइन है उसका जब आप कैनोपी देखेंगे तो वो ब्लू कलर देती है, प्लस उसके जो लीफ होता है, नीडल शेप लीफ है इनके, उसमें चार नीडल होती हैं, जबकि पाइनस जो रॉक्सबर्जियाई चीड़ है इसकी नीडल जो है उसमें, इसके पत्ते में जो है वो तीन नीडल होती हैं इसके लीफ में। तो ये मेजर जो है इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। जो ये सिड्रस देवदारा है इसके नीडल जो है सिंगल सिंगल होती है और छोटी छोटी जो है वो नीडल्स होती हैं। तो ये तीन स्पीशीज़ हैं यहाँ पे इस्लान में। एक तो आपको पाइनस रॉक्सबर्जियाई चीड़ बता दिया, सिड्रस देवदारा बता दिया और पाइनस वेलिचियाना जो ब्लू पाइन है वो आपको बता दिया।